ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे लूटी गई नकदी और फोन के अलावा लूट की घटनाओं में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए रुद्रपुर की सीओ सिटी अनुषा बडोला ने कहा कि लाहुरिया शोरूम के सामने से बदमाशों ने युवक से चाकू की नोक पर 12,800 रुपये की नकदी और मोबाइल लूटा था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, 23 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाइक पर आकर चाकू के बल पर एक व्यक्ति का आईफोन, उसके जेब में जितने 12,000 रुपए थे वो उसके साथ लूट करते हुए लेके गए। तो इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नेक्स्ट डे 24 को ही जो पूरी टीम थी, जिसमें धीरज शमटा थे, कविंदर शर्मा थे और एसओ साहब थे, इन लोगों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हम जिस चाकू की नोक पर लूट की गई थी वो बरामद किया है। अमाउंट, जितना पैसा चोरी किया गया था वो बरामद किया। उसके अलावा जो उसका आईफोन था और जिस वाहन को उन्होंने यूज़ करके लूट की थी वो सब बरामद किया गया है, जिसके लिए ट्रांजिट कैंप को, थाने को मैं बधाई दूँगी।